हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर में थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर स्मार्ट मशीन, है ना। तो उसको ध्यान से समझेंगे। जो बुक्स आपके पास हैं या फिर जैसी बुक आपके पास हैं उसमें सेम यही कंटेंट है। तुम्हारे पास है अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन दैट कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। ऑन कंप्यूटर यू कैन प्ले गेम्स, टाइप लेटर्स, परफॉर्म कैलकुलेशन, ड्रॉ पिक्चर्स, लिसन द सॉन्ग्स एंड वॉच वीडियोस। यू कैन ऑल्सो स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन इट। यहाँ पर कंप्यूटर क्या है कि एक बहुत अच्छी मशीन है जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि आप गेम खेल सकते हो, आप लेटर टाइप कर सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और आप जो काम करते हो, मान लो आपने कोई कैलकुलेशन की या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो उसको सेव करके रख सकते हो आप डेटा के रूप में। आप बहुत सारा डेटा एक साथ इकट्ठा कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर जो पिक्चर हमारे सामने है उसमें ये जो चीज़ है इसको मॉनिटर बोलते हैं। ये हमारे पास कीबोर्ड, ये माउस और ये हमारा सीपीयू में, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो एक प्रॉपर कंप्यूटर डिवाइस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इट्स मीन दैट अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट वर्क्स ऑन द डेटा एंड आफ्टर दैट इज गिव्स आउटपुट। कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ एंटर करते हैं जिसको इनपुट बोला जाता है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू। और फिर कंप्यूटर एक छोटी सी प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट आने के रिजल्ट देता है। हर काम का करने का सेम तरीका है, फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस एंड देन आउटपुट मींस रिजल्ट। यहाँ पर इनपुट को, प्रोसेस को और आउटपुट को डिफाइन भी किया हुआ है ना। जैसे कि इनपुट क्या होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र, यूज़र मींस हम जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं। प्रोसेस वर्क्स ऑन द गिवन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो डेटा दिया है उसके ऊपर काम करें। उसके बाद आउटपुट गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट, हमें एक रिजल्ट मिले जो हमने एंटर किया है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड से टाइप किया 15, 10 और प्लस। हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, हमें 15 और 10 को प्लस करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को एंटर करेंगे यानी कि इनपुट करेंगे। जब हम इनपुट कर देंगे उसके बाद हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा जहाँ पर 15 और 10 को ये ऐड करेगा। जब ऐड करेगा सीपीयू के अंदर, उसके बाद मॉनिटर के ऊपर हमें क्या देगा, ये आउटपुट देगा, है ना। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। कीबोर्ड आप देखते हैं जिससे हम टाइपिंग करते हैं, माउस से हम पॉइंट करते हैं और क्लिक करते हैं यानी कि ऑपरेट करते हैं आगे की चीज़ों को। स्कैनर से क्या करते हैं, हमारे पास कोई इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, आगे एक इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं यानी कि सीपीयू के अंदर। ये हमारा सीपीयू होता है जो प्रोसेस डिवाइस है, इसके अंदर कोई भी काम होता है वो प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास है मॉनिटर और उसके बाद स्पीकर और प्रिंटर। मॉनिटर में हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं या स्कैन करके लेके जाते हैं तो हम उसके अंदर देख सकते हैं, हमें इसी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देता है। स्पीकर में अगर हम कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप है जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो हम स्पीकर के थ्रू सुनते हैं। प्रिंटर में क्या होता है, हमने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसका हम हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटेबल फॉर्म में बाहर ले सकते हैं। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, ये प्रिंटेबल फॉर्म में, जैसे कि बुक है हमारी, ये भी प्रिंट हो करके बाहर आई है तो इस प्रिंटर के थ्रू ही आई होगी। हालांकि अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं तो हम उसको लेटर ऑन देखेंगे आगे। नेक्स्ट चीज़ हमारी फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर।
सबसे पहले है स्पीड। स्पीड का मतलब है गति। कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, यानी कि विद इन अ सेकेंड या उससे भी कम में ये हमें कोई भी रिजल्ट दे देता है। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, इट कैन डू बिलियंस ऑफ टास्क इन अ मिनट। ये एक मिनट में बहुत सारे, है ना, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। ये कभी भी हमें गलत रिजल्ट नहीं देता, ये हमेशा हमें सही रिजल्ट देता है। इफ़ द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर आर एक्यूरेट, इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। अगर हमने, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने कंप्यूटर में सही चीज़ इनपुट की है तो हमें रिजल्ट भी सही मिलेगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर जो है एक बहुत रिलायबल मशीन है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती, मतलब इस्तेमाल करने में हमें कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। सिंपल चीज़ें हैं जिनको हम ऑपरेट करके कंप्यूटर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ अ क्वाइट रिलायबल मशीन टुडे, इट डज़ नॉट मैलफंक्शंस इजीली, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैलफंक्शन का मतलब कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें काम करने से रोके। नेक्स्ट इज स्टोरेज। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। हम कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और उनको हम भविष्य में अगर दोबारा देखना चाहते हैं या कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको हम देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग। एक बार में कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन डू अ वैरायटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में वो एक से ज़्यादा काम कर सकता है। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हैं और साथ में आपने हेडफोन लगा करके गाने भी चला रखे हैं, तो दोनों काम कंप्यूटर कर रहा है। इसी तरह से और भी काम कंप्यूटर कर लेते हैं। कुछ फाइल फैक्ट्स, जैसे कि चार्ल्स बैबेज द रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है, ये तो पहले जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए। उसके बाद रॉन्ग इनपुट लीड्स टू रॉन्ग आउटपुट, इट इज़ कॉल्ड केको, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके कहने मतलब है कि अगर आप गलत चीज़ एंटर करेंगे, यानी कि रॉन्ग चीज़ एंटर करेंगे, तो रॉन्ग ही आउटपुट आपको मिलेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मेनली कंप्यूटर तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ही मेन कंप्यूटर्स के बारे में बात हो रही है, जैसे कि कंप्यूटर्स दैट कैन बी ऑपरेटेड बाई ओनली वन पर्सन एट अ टाइम आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स लाइक PCs। ये पी और सी, उसके बाद एस का मतलब है कि अलग अलग तरह के, यानी कि बहुत सारे। सम कॉमन टाइप ऑफ PCs आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कंप्यूटर एक अकेले व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किया जाता है पर्सनली, उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। तो कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जैसे कि डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ जनरली कीप्ड ऑन अ टेबल और डेस्क, इट हैज़ अ सेपरेट मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस दैट आर अटैच्ड टू द CPU। इट इज़ नॉट पोर्टेबल एंड कैन नॉट बी कैरीड आउट एनीवेयर फॉर यूज़। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे कि इस तरह के दिखाई देते हैं, इनको हम टेबल वगैरह पे रख देते हैं, जैसे कि हमारे पीछे ये टेबल है, तो इस तरह की टेबल के ऊपर हम इसको रख करके काम करते हैं, इसको कहीं ले जा नहीं सकते, है ना। और इसके साथ हमारे पास कीबोर्ड, माउस और कुछ और चीज़ें, जैसे कि मान लो स्पीकर वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो उनके सबके वायर हमारे CPU में कनेक्ट होते हैं। इस मॉनिटर का वायर भी CPU में कनेक्ट होता है ना। तो ये हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट इज लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर यूज़ वाइल ट्रैवलिंग। ये स्पेशली बनाए गए हैं जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आप इस कंप्यूटर को तो उठा के ले जा नहीं सकते, लेकिन आप इस लैपटॉप को ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने लैपटॉप देखा होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। इट हैज़ अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड टच पैड इंक्लूडेड इनटू अ सिंगल यूनिट। ये जो इसके आप मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, ये सब कहाँ होते हैं, इसके इसी हिस्से में होते हैं। जैसे कि इसका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कीबोर्ड होता है, यहाँ पर एक टच पैड होता है, इसी पर फिंगर्स मूव करके हम स्क्रीन पर घूमने वाले पॉइंटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद पैमटॉप। पैमटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, जो हाथ में उठाकर, जिस तरह से हम फ़ोन चला करके
फ़ोन उठा करके चलाते हैं, इस तरह का होता है ये, जिसे मेरे नीचे कीबोर्ड होता है, स्क्रीन होती है, और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर इज़ द स्मॉलेस्ट इन ऑल, इट इज़ अ वेरी हैंडली डिवाइस एज इट कैन बी कीप्ड ऑन द पैम ऑफ हैंड। पैम मतलब हथेली जो होती है हमारी, उसको पैम बोलते हैं। इट इज़ अ स्मॉल इट इज़ अ स्मॉल इंटीग्रेटेड टच पैड एंड मॉनिटर स्क्रीन। तो ये हमारे तीन पीसीज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लास्ट है इसमें यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूज ऑलमोस्ट एनीवेयर एवरीवेयर इन टूडेज वर्ल्ड। आजकल क्या है, कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे कि लेट्स सी, इन स्कूल, स्कूल में इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। जो हमारे पास बुक्स होती हैं स्कूल में, एक लाइब्रेरी होती है, तो उस लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उनको रिकॉर्ड रखने के लिए, हमारे पास कितनी बुक्स हैं, कितनी नहीं हैं, कितनी नहीं मंगानी हैं, कितनी बुक्स एक्स्ट्रा हैं, ये सब चीज़ें रखने के लिए हम कंप्यूटर में इसका हिसाब रखते हैं। हेल्प्स इन टीचिंग बाय गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि अगर कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि पढ़ाने के लिए हमें कंप्यूटर लैब की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये दिख रहा है बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं बैठ करके, तो हर बच्चे को कंप्यूटर की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को ऑपरेट कर सके, देख सके। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल। टीचर्स क्या करते हैं, आपके रिपोर्ट कार्ड वगैरह या फिर टाइम टेबल, ये सब इसी में तैयार करते हैं। मेंटेनिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। जो टीचर और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं वो भी कंप्यूटर पर ही बनाए जाते हैं, यूज्ड इन कंप्यूटर लैब। और जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर लैब में तो कंप्यूटर इस्तेमाल होता ही है। उसके बाद एट होम, आपके घर पर भी कंप्यूटर होता है, तो आप क्या करते हैं, हेल्प्स इन डूइंग होमवर्क। आप अपना घर का काम ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लेइंग गेम्स एंड म्यूजिक, गेम खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वॉचिंग मूवीज़, कंप्यूटर पर आप मूवीज़ भी देखते हैं। उसके बाद इन बैंक्स, बैंक में भी कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है। हालांकि अब तो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है बैंक में, बिना कंप्यूटर के आप काम भी नहीं कर पाओगे। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट्स एंड मनी। हमारे जो लोग होते हैं जो अकाउंट्स खोल के रखते हैं, उनके पैसों का हिसाब रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम मशीन। जब हम पैसा निकालते हैं एटीएम मशीन से, तो भी उस रिकॉर्ड को कंप्यूटर ही मेंटेन करता है ना। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कई बार होता है कि एटीएम कहता है 500 के नोट हैं, 1000 2000 के नहीं हैं, इस तरह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो कंप्यूटर में एंटर्ड हैं, रिकॉर्डेड हैं, तो ही आपको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगी। उसके बाद एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी बहुत सारी ऐसी मशीन होती हैं जिनको जो पेशेंट होते हैं उनकी डिसीज़ को चेक करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अदर मशीन से कनेक्ट की जाती है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर्स। डॉक्टर पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए। डायग्नोसिस डिसीज़, मैंने जो बीमारियाँ होती हैं उनको एक तरह से समझने के लिए है ना, या फिर उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। उसके बाद फॉर मेकिंग एनिमेशन मूवीज एंड एडवर्टाइजमेंट्स। जो आमतौर पर आजकल मूवी देखते हैं, जितनी भी एनिमेशन वगैरह की, वो सभी कंप्यूटर पे तैयार होती हैं। फॉर क्रिएटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वॉर्स, फ्लोड्स, अर्थक्वेक्स, फायर्स एटीसी। कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जैसे कि लड़ाई का, भूकंप का, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको, जिनका इफेक्ट दिखाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर इफेक्ट्स का। उसके बाद इन डिज़ाइनिंग, इन डिज़ाइनिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर बहुत अलग तरह की डिज़ाइनिंग होती है। जैसे कि आप ये जो बुक देख रहे हैं, जो डिज़ाइन की हुई है, ये भी इन डिज़ाइनिंग या इस जैसे सॉफ्टवेयर में की गई होगी है ना। जैसे कि हम शादी के कार्ड वगैरह देखते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देखते हैं, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बुक मैगजीन वगैरह देखते हैं, वो सब उसी में तैयार होती हैं। जैसे डिज़ाइनिंग बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। और डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, कार, मशीन, क्लोथ्स एटीसी। और जैसे बिल्डिंग का या फिर मशीन का किसी का डिज़ाइन बनाना होता है, तो वो भी इसी के अंदर देख जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जैसे कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है इसमें, तो आप क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक बार पूरा चैप्टर पढ़ा, तो हो सकता है समझ में कम आए है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक।
अच्छा इसको अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइसेस। जैसे कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इनपुट आउटपुट या इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो हमारा काम करता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पे। नेक्स्ट है इनपुट इज द डैश गिवन बाय द यूज़र। इनपुट क्या देता है, इनपुट क्या देता है, इनपुट डेटा देता है, आउटपुट डेटा प्रोसेस। तो क्या देता है, इनपुट से हमें डेटा मिलता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सुनो आई मैंने हम पीछे पढ़ रहे थे तो उसमें डेटा देता है। उसके बाद डैश मीन अ कंप्यूटर कैन डू वेरियस नंबर ऑफ टास्क एट अ सेम टाइम, है ना। तो अगर कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग। उसके बाद अ कंप्यूटर कैन स्टोर डैश अमाउंट ऑफ डेटा फॉर द फ्यूचर यूज़। तो कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो इसका आंसर है लार्ज। उसके बाद ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर इज जनरली कीप्ड ऑन अ टेबल और डेस्क। ये टेबल और डेस्क पर रखने की बात कह रहा है कि टेबल और डेस्क पर रखा जाता है, वो टेबल और डेस्क पर नहीं रखा जाता, लैपटॉप हाथ में रख करके इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्या है ये फॉल्स है। उसके बाद द कंप्यूटर समटाइम गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, समटाइम नहीं, वो हमेशा ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसलिए इसको फॉल्स रखा है, वो हमेशा ही देता है, कभी कभी नहीं देता। अ कंप्यूटर इज अ क्वाइट रिलायबल मशीन, हाँ ये सही है कि वो एक बहुत आसान मशीन है, ऐसा आसान शब्दों में कहें तो वो एक ईजिली इस्तेमाल होने वाली मशीन है, इसलिए इसको हम क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर यूज़ वेल ट्रैवलिंग। डेस्कटॉप को ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं करते हम, लैपटॉप को करते हैं। तो डेस्कटॉप तो डेस्क के ऊपर टेबल के ऊपर रख करके काम किया जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, फॉल्स रखेंगे। उसके बाद एट हॉस्पिटल्स कंप्यूटर आर यूज फॉर डायग्नोसिस डिसीज़। ये कह रहा है कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर को डायग्नोसिस डिसीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हाँ सही है, ट्रू। हालांकि मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आपके इसमें कर दिए हैं, लेकिन इसकी आपको रिटर्न में पीडीएफ में मिल जाएगी, है ना, आपको मिल जाएगी। और चाहें तो मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। ये कह रहा है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर क्या है, अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू अ वेराइटी ऑफ जॉब्स लाइक प्ले गेम्स, कैलकुलेशन, ड्रॉ पिक्चर्स, लिसनिंग सॉन्ग ईटीसी। कंप्यूटर का एक बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि गेम खेलना, कैलकुलेशन करना, ड्रॉ पिक्चर, लिसनिंग सॉन्ग ईटीसी। उसके बाद कह रहा है राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के तीन फीचर्स के बारे में बताना है। तो स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, यानी कि जो उसकी गति होती है वो बहुत तेज़ होती है और उसका परिणाम बिल्कुल सही होता है हमेशा और बहुत आसान होता है उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद व्हाट डज आईपीओ स्टैंड फॉर, आईपीओ स्टैंड करता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के लिए। आईपीओ स्टैंड फॉर रिस्पेक्टिवली इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। उसके बाद व्हाट डज पीसी स्टैंड फॉर, नेम सम पीसीज। ये कह रहा है पीसी किस लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब पीसी का जो ये पी और सी है किस लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ पीसीज के नाम बताइए। तो पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पीसी की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। और सम पीसीज आर डेस्कटॉप, लैपटॉप और पैमटॉप। उसके बाद नेम सिक्स प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, छह जगहों के नाम बताने जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता हो। तो स्कूल में होता है, होम्स, बैंक, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और लेबोरेटरीज, यहाँ पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके बुक में मैचिंग दी होगी, तो मैचिंग को कनेक्ट कर लेंगे हम, लैपटॉप कहाँ है, पिक्चर देख करके समझ में आ जाएगा लैपटॉप हमारा ये है, है ना। डेस्कटॉप कहाँ है हमारा, ये है। पैमटॉप कहाँ है हमारा, ये है। और कंप्यूटर एट हॉस्पिटल, यानी कि ये हॉस्पिटल में, यहाँ पर देखो ये डायग्नोसिस मशीन है जो हमें दिखाई दे रही है, तो जिससे हमें पता चल जाएगा ये हॉस्पिटल वाली स्क्रीन है। कंप्यूटर सेट बैंक, तो ये बैंक में दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये जो सब चीज़ें हैं इनको मैं रिटर्न में पीडीएफ के अंदर आपको भेज दूँगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अच्छी तरह समझे। एक बार में समझ नहीं आती है, दो बार में समझे, है ना, थोड़ा थोड़ा रुक के समझे और आसानी से इसको कवर करें, ठीक है। चलिए, जब ये कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा।